आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। आज आप लोग ने टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये आज मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जो कि बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है। और मैंने अभी वियर किया है ये वाइट कलर का कुर्ती है, जिसमें वर्टिकल्स लाइनिंग है इसमें ब्लैक का। ये बहुत ही सिंपल सा सिंपल ग्लोवी ड्यूवी मेकअप लुक है। आप लोग इसे न्यू ईयर पे, डे आउटिंग पे, पिकनिक पे कर सकते हैं। ये इजी होगा, गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरी वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, आइए मैं शुरू करती हूँ। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा ये लुक, ये मेकअप लुक, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और जो भी नए हैं हमारे सब्सक्राइबर, और जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि जो भी हम न्यू अपडेट करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैंने मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। आइए देखते हैं, लेट्स गो। मेकअप शुरू करने से सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम होता है हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने टोनर यूज कर लिया था। अब मैं यूज करूँगी अपने फेस पर मॉइस्चराइजर। ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर है, देख सकते हो आप लोग, ये कोल्ड क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम। ऐसे मसाज करते हुए हम अपने फेस में पूरे ऊपर की तरफ जैसे मसाज। इसके बाद मैं यूज करूँगी टी ट्री ऑयल, जो कि गुड वाइब्स का है। यूज करेंगे ये प्राइमर, जो कि एनवाई बे का है। प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और जो पोर वगैरह होते हैं उसको भी मिनिमाइज करता है। हम यूज करेंगे अपना लैक्मे 925 सीसी क्रीम, जिसमें मेरा शेड बेज है। थोड़ा सा लेंगे और अपने फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके। अच्छे से फाउंडेशन बहुत ही कम यूज करती हूँ, और ये लैक्मे का सीसी क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हो ये खत्म भी होने वाला है, अब देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बट मैं थोड़ा सा फिर से लेके एज ए कंसीलर तरीके से रोज पाउडर लगने का कंप्लीट। बाद अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये है ब्लशर। ब्लशर पैलेट से जो कलर है
इसमें जो ये ऑरेंज टिंट में कलर है उसको लेकर हम अपने आईज पे बहुत ही हल्का हल्का लेकर मुझे बस नेचुरल लुक चाहिए, सो मैं ऐसे ही अपने दोनों आंखों पे दोनों पर मैंने अपने आइस बेस लगा लिया है। ब्लशर पैलेट से जो मैंने आइस बेस शेड यूज किया है उसको ब्लशर एज ए ब्लशर यूज कर लिया है। थोड़ा सा अपने नाकों पे भी लगाया, वो सर्दियों में होता है ना जो पिंक पिंक हो जाता है नाक ठंडा से, और ये नेचुरल लुक मुझे देना था सो हो गया। और ये हाइलाइटर मैं यूज करूंगी, जहां जहां मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है वहां। मैं यूज करूंगी आईलाइनर, ऐसे ही लो इस आईपे लगा लो। मैंने आईलाइनर यूज कर लिया और मुझे आईब्रोज फिल करने की नीड नहीं है क्योंकि अब मेरे बहुत ही घने हैं सो मैं आईब्रो फिल नहीं करती। अब बारी है लिपस्टिक की, जी हाँ लिपस्टिक के बिना तो सारा मेकअप अधूरा है। मैं यूज कर रही हूँ ये कैमियो का लिपस्टिक है, करूंगी मेरा काजल जो कि अगेन इन वाई बी का है। आफ्टर बिंदी माय मेकअप इज डन, सो मैंने ये बैंगल्स भी डाल लिया है। सो बारी है इयर रिंग, क्योंकि मैं ये झुमका इसमें ये पीकॉक डिजाइन का बना हुआ है बट इसमें पीकॉक है नहीं, सो ये झुमकी मैं इयर करने वाली हूँ। फाइनली मेरा मेकअप डन हो गया है और आप लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।